हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जब भी मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। गेंदे की कटिंग कैसे लगाते हैं, कितनी लेंथ होनी चाहिए। सबसे पहले हमने शार्प कटर लेना है और उसको हमने सैनिटाइज करना है। जो मैक्सिमम कटिंग की लेंथ है वो 7 या 6 इंच होनी चाहिए और हमने बिल्कुल सॉफ्ट कटिंग लेनी है। जो न्यू ग्रोथ हो रही है वो कटिंग हमने लेनी है। अगर वर्डिंग वाला कटिंग लेते हैं तो उसमें जो टाइम लग जाता है रूट आने में, रूट तो आ जाती है लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस तरह के जिसमें फ्लावर बड्स नहीं है यही कटिंग हम लेते हैं तो जल्दी रूटिंग हो जाती है इसकी। दो नोट के हमने पत्ते हटाने हैं, ऊपर वाले पत्ते भी हमने ट्रिम करने हैं। जो कटर है आपका शार्प होना चाहिए और कटिंग भी आपकी शार्प कटी हुई होनी चाहिए। ऐसे सैंड या कोकोपीट नहीं है तो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी कटिंग को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ना रूट हार्मोन ना रिवर सैंड, ओनली गार्डन सॉइल में मैं इस कटिंग को ग्रो कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल वे पे मैं इसको ग्रो कर रही हूँ। तो देखिए, इसमें स्टिक की हेल्प से हम होल करेंगे। अगर स्टिक की हेल्प से आप होल करते हैं तो आपकी जो कटिंग है वो डैमेज नहीं होती है। तो अच्छे से प्रेस करेंगे, इस कटिंग की मिट्टी हिलनी नहीं चाहिए जब हम वॉटरिंग करते हैं। इसके बाद हम इस कटिंग को पानी देंगे और पानी को आप हाथ से भी दे सकते हैं, अगर आपके पास शावर है उससे भी आप दे सकते हैं। तो ऐसे करके आप कटिंग को पानी दीजिए, कटिंग हिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल, इस बात का आपने ध्यान रखना है। 5-6 दिन के लिए इसको आप शेडी एरिया में रखिए, जहाँ अच्छी रोशनी आती है वहाँ इसको रख सकते हैं, जहाँ से छन के धूप आती है बड़े पेड़ के नीचे वहाँ इसको रख सकते हैं। तो देखिए, अब 5-6 दिन के बाद इसकी कटिंग का अपडेट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से रूटिंग हुई है। तो अब ये ट्रांसप्लांट के लिए कटिंग हमारी तैयार होगी। इसके लिए 6 या 8 इंच का प्लांटर हम दे सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए 60% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट, 20% सैंड। सैंड नहीं है तो कोकोपीट आप ले सकते हैं, उसमें आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए और फिर आप देखेंगे कि बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी और इससे आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। फ्री की कटिंग आप ढेरों बना सकते हैं अपने घर में, आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी कटिंग का अपडेट था और मैंने कटिंग बहुत ही आसानी वे पे कटिंग लगाना बताए हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय एवरीवन।